हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कैंपिंग कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 42 रुपए 20 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 5.5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। आज के दिन सभी एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो सन फार्मा एडवांस हो या फिर जीएसएफसी हो, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कैंपल। तो इन सभी सेक्टर में, खासकर एग्रोकेमिकल सेक्टर में, जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉक लूज कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 8.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने में 15%, 3 महीने में 29%, 6 महीने में 35% और 1 साल के अंदर 44% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक काफी टाइम तक एक रेंज बोन में फंस चुका था, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 700 रुपीज। 700 रुपीज के प्राइस को जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और स्टॉक वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक बाइंग देखने को मिल रही है, जहां से अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 770 रुपीज, 770 रुपीज यहां से लगभग करंट लेवल से 20 रुपए का नीचे के एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट अराउंड 850 रुपीज के लिए, 850 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जब तक स्टॉक 770 रुपीज से ऊपर रहता है, स्टॉक में एक स्ट्रॉन्गली बाइंग देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।